नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और साथ ही एक आयुर्वेदिक कैप्सूल। तो आज की इस वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में, इस आयुर्वेदिक कम्बिनेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे क्या इसके यूज हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किस कंपनी का है, क्या प्राइस रेंज है, तो ऐसे भी टॉपिक्स रहेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हेडेंसा कैप्सूल और हेडेंसा आइंटमेंट की। दोनों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, दोनों आयुर्वेदिक कम्बिनेशन से बने हुए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ट्यूब की, इस आइंटमेंट की और इस कैप्सूल की। दोनों का यूज जो है वो विशेषकर एक ही बीमारी में यूज होता है। ये जो है मुख्य रूप से पाइल्स के लिए यूज की जाती है, यूज की जाने वाली मेडिसिन है। तो चाहे तो ब्रीडिंग पाइल्स हो या फिर जो है स्वेलिंग पाइल्स हो। पाइल्स जो है विशेषकर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक पाइल्स जिसमें काफ़ी जो मल द्वार के साइड से जो है नसें जो होती हैं, वेंस जो होती हैं, फूल जाती हैं और दर्द बहुत ज़्यादा होता है खांसने में, छींकने में और साथ ही जो है बैठने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसमें ब्लड नहीं आता है, तो वो जो है कह सकते हैं उसको हम वादी बवासीर बोलते हैं। और दूसरा यह जो है हेमोरॉइड्स, जिसमें ब्लड आता है और ब्लड के साथ में दर्द होता है। जब क्या होता है कि हम लोग लेटिन जाते हैं तो उसके साथ में, लेटिन के साथ में काफ़ी ब्लड आता है, ब्लड के साथ में दर्द होता है, या फिर मस्से बन जाते हैं तो उसमें जो है ब्लड आने लगता है, तो उस कंडीशन में हम इस आइंटमेंट का और साथ ही कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। हेडेंसा आइंटमेंट जो है, पहले इसकी ओपनिंग कर लेते हैं, इसमें देखें क्या क्या निकलता है इस बॉक्स के अंदर। ये जो है आइंटमेंट निकलता है और साथ ही जो है इसको यहाँ से इस तरीके से सेट करके, यहाँ से इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। ये जो है मल द्वार के इस्तेमाल में यूज होने के लिए दिया जाता है साथ में। जैसे कि क्या होता है कि जो नसें रहती हैं जो एनल के चारों तरफ की, मल द्वार के चारों तरफ की, तो उसमें जो है आप आसानी से इसको यहाँ से कैप रिमूव कर सकते हैं इस टाइप से, और फिर जो है आप लगा के इसको नीचे से दबाएंगे तो दवाई जो है वो आसपास जो है उस नसों में जो है लग जाएगी, जो उस एरिया में, सरफेस में। तो क्या होगा कि अगर ब्लड आ रहा है तो ब्लड आना बंद हो जाएगा, अगर स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को ख़त्म कर देगा, मस्सा है तो धीरे धीरे जो है मस्सों को जो है सुखा देता है, ख़त्म सुखाने के बाद में धीरे धीरे जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इस टाइप से इसको आपको सेट करना है। और अब बात कर लेते हैं कि इसको कितने बार यूज़ करना है। आप जो है इसको दिन में तीन बार, कम से कम तीन बार इसका इस्तेमाल करें। जब भी आप जो है फ्रेश होने के बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम में, और दोपहर में अगर समय मिलता है तो आप इसको दोपहर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो कैप्सूल है, कैप्सूल का भी आपको इस्तेमाल करना है साथ में। कैप्सूल जो है आपको सुबह दोपहर शाम आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि ये एडल्ट डोज है, एडल्ट में जो है सुबह दोपहर शाम, और हो सकता है कभी कभी छोटे बच्चों में भी जो है हो जाती है ये समस्या, 5 साल से ऊपर हैं। होता क्या है कि लेटिन सख्त हो जाती है, लेटिन सही से नहीं आती, या फिर जो है डाइजेशन ख़राब हो जाता है। तो ये क्या करता है कि डाइजेशन को भी सही करता है, दूसरा ये कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, कब्ज को ख़त्म करता है, आपके जो है पाचन तंत्र को मजबूत करता है, और जो सख्त मल रहता है उसको जो है मुलायम बना देता है, जिससे कि आप फ्रेश होने जाएं तो आप आसानी से फ्रेश हो जाएं। तो ये सब काम रहते हैं इसके। और दूसरा यह है कि ब्लीडिंग में भी ये आराम देता है, जिससे जिन लोगों को ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने लगती है लेटिन के बाद में पाइल्स की वजह से, बवासीर की वजह से, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये अब प्राइस रेंज की बात कर रहे थे, तो ये जो है कैप्सूल, 10 कैप्सूल की कीमत वो रहती है 60 रुपये। 60 रुपये में आपको 10 कैप्सूल का एक पैक, एक ब्लिस्टर जो है एक पत्ता आपको मिल जाएगा। और आइंटमेंट की बात कर लेते हैं तो ये 100 रुपीज़ में आपको, ये 100 रुपये में, कितने ग्राम का है ये वजन जरा इसका देख लेते हैं, 20 ग्राम, 20 ग्राम का जो है ये पैक आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। चाहे तो आप इसको आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं, या फिर जो है इसको आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। और ये जो है 60 रुपये में है, तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इस वजह से इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये डॉलर कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी प्रचलित ब्रांड है, तो आप इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का मेरा वीडियो। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें जरूर बताएं, और साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।